दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे बेहतरीन बेस्ट केमिकल स्टॉक के बारे में जानेंगे जो स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। एंड ये जो दोनों स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों स्टॉक का प्राइस दोस्तों 80 रुपीज से बिलो है। मतलब 100 से अगर कोई बिलो स्टॉक चाहिए, वो भी बेस्ट कैटेगरी का बेस्ट स्टॉक, तो ये दो स्टॉक्स आपको ज़रूर देखना चाहिए वीडियो, सो दैट ये दोनों स्टॉक में आप भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टॉक्स है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है दोस्तों 71 रुपीज़ 80 पैसा अब इसका करेंट भाव है। ये बहुत ही बढ़िया, इसका जो फंडामेंटल्स है, इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो बिजनेस एस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे सेंसेक्स यहाँ पे 30% बढ़ोतरी हुआ है लास्ट 3 साल से, यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय केमिकल वाला स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स था, यहाँ पे ये 24% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 साल पहले ये स्टॉक का प्राइस लगभग 50 रुपीज़ था। यहाँ पे देखिए 50 रुपीज़, 53 रुपीज़, 39 रुपीज़ से ये बढ़ के आज के दिन में वो हुआ हो गया 70 रुपीज़, 104 भी चला गया था इन बिटवीन। तो ये काफ़ी बढ़िया एक मौका है कोई भी इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग केमिकल सेक्टर का स्टॉक खरीदना चाहता है। मैं आपको दो स्टॉक्स रेकमेंड करता हूँ इस वीडियो में, तो ये दोनों स्टॉक को आप ज़रूर थोड़ा ध्यान से देखिए और आपको भी थोड़ा रिसर्च करने का ज़रूरत है। अगर आप पैसा लगा रहे हो तो इस वीडियो देख के भी आप लगा सकते हो, बट एक बार ज़रूर रिसर्च भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 साल में जो स्टॉक ने बढ़ोतरी दिखाया है, ये सेंसेक्स और निफ्टी को भी बीट किया है। इसका जो रेट था ग्रोथ का, यहाँ पे ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल एक स्टॉक्स बन चुका है। इसका देखिए जो ग्रोथ यहाँ पे स्टोनपाइन ने दिखाया है, मार्च 2022 में नेट सेल्स कंपनी का ग्रोथ हुआ है 11%। ठीक है, बहुत ही एक उम्दा इन्होंने अभी नेट सेल्स में देखिए बढ़ोतरी, यहाँ पे नेट सेल्स था दिसंबर में 3699, यहाँ पे मार्च में हो गया 4109 करोड़, से भी ज़्यादा यहाँ पे नेट सेल्स हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, हर मामले में कंपनी का, लेकिन हर मामले में इसका पॉजिटिव ग्रीन साइन ही है, कोई भी ख़राब नहीं है। कंपनी के डिविडेंड यील्ड भी देखिए, कंपनी जो लास्ट डेटा एज पर डेटा है नवंबर 24, 2021 को डिविडेंड दिया था 1.03 रुपये करके। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 3.84% है। ठीक है, छोटा सा कंपनी है, डिविडेंड दे रही है, और क्या चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स का होल्डिंग 75% का प्रोमोटर्स होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, इंश्योरेंस ने, DIIs, नॉन इंस्टीट्यूशंस ने, सारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। बट सबसे जो बढ़िया इन्वेस्टमेंट अभी भी प्रोमोटर्स के पास है, प्रोमोटर्स के पास सबसे बड़ा स्टेक्स अभी भी है दोस्तों, कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब प्रोमोटर्स को काफ़ी भरोसा है इस स्टॉक पर। और भी मैं आपको स्टॉक बताऊँगा केमिकल सेक्टर का, स्टॉक्स देखते रहिए। ये राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइज़र का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस स्टॉक्स में कब करना है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल्स अभी जो प्राइस चल रहा है, इसका टारगेट है 150 रुपीज़। ठीक है, एंड इसका अगर स्टॉप लॉस आप रखा करें तो 6 रुपीज़ ज़रूर यहाँ पर स्टॉप लॉस भी रखा कर दीजिए। टारगेट 150 अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी देख लेते हैं हमारा सेकेंड स्टॉक दोस्तों, तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स हमारा सेकेंड पेट है केमिकल सेक्टर का, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो। एंड इसका करेंट प्राइस 57 रुपीज़ है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया एक बिजनेस एस्पेक्ट, बहुत ही इसका ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ एंड कंपनी का जो मैनेजमेंट है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मुझे इस कंपनी पर भरोसा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा। अभी देखिए पिछले 1 साल से कंपनी का जो रिटर्न है काफ़ी ठीक ठाक एक कंसिस्टेंस दिया है, पर ज़्यादा नहीं दिया है। अगर आप 10 साल का अगर डेटा देखेंगे, जहाँ से कंपनी ने एग्जैक्टली स्टार्ट किया था, सबसे जो लंबा इसका जो अगर मार्केट ट्रैक हम लोग देखेंगे, हमारे पास जो भी डेटा है, तो यहाँ पे देखिए 93% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। यहाँ पे देख लीजिए 93% का रिटर्न, एंड जहाँ पे सेंसेक्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी ग्रोथ दिखाया है। तो ये स्टॉक्स जितना बढ़ना था दोस्तों उतना बढ़ा नहीं है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। आप यहाँ पे देख सकते हो 180 तक चला गया था। ठीक है, अभी इसका भाव है 57 रुपीज़। इसमें आपको काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप देख लीजिए 12 रुपये का स्टॉक्स 192 अगर चला जाता है तो फिर से वही
दोबारा होगा, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है एंड कंपनी का जो नेट सेल्स है उसमें बढ़ोतरी, कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें बढ़ोतरी एंड कंपनी का अगर मैं आपको थोड़ा सा भी डेटा दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा भी अगर डेटा मैं दिखाऊँ तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो नेट यहाँ पे सेल्स है दिसंबर 2021 में यहाँ पे ग्रोथ हुआ है 19.71%। यहाँ पे कंपनी का सेल्स में बढ़ोतरी हुआ है एंड प्रॉफिट देख लीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट है 159% का प्रॉफिट, मतलब डबल, ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ, सितंबर 21 में 645 था, दिसंबर 2021 में 772 है नेट सेल्स। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो कितना ग्रीन है सभी मामले में, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 24 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले मामले में पिछले साल में था 9.41। तो हर कोई सेगमेंट में कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ग्रोइंग है, यही एक सबसे बढ़िया बात है। एक छोटा एक पेनी स्टॉक आप बोल सकते हो, इतना छोटा प्राइस है फिर भी देखिए डिविडेंड के मामले में भी ये स्टॉक्स पीछे नहीं है, डिविडेंड भी भर भर के टाइम टू टाइम कंपनी देती है। ठीक है, तो इसमें देखिए नॉन इंस्टीट्यूशंस का सबसे जो बढ़िया बात है, नॉन इंस्टीट्यूशंस का 52% का होल्डिंग्स है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स का है। ठीक है, प्रोमोटर्स के पास भी 45% का है। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक सजेस्ट करूँगा, ये स्टॉक्स को आप बहुत ही लंबा टाइम पर बने रहें। ठीक है, इसका जो टारगेट है ये अगर लंबे टाइम तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट रहोगे तो 250 तो आराम से जाएगा, बट आपको हमेशा स्टॉप लॉस भी लगाना है। टॉप लॉस कितना लगाना है, 40 स्टॉप लॉस लगा के चलिए और 250 तक आप वेट करें लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपको रहना है। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का। ठीक है, तो इसमें आपको ज़रूर फोकस करना है ये दोनों स्टॉक्स, स्पेशलिटी केमिकल का, खास करके आप लोगों के लिए। वीडियो कैसा लगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है दोनों स्टॉक के बारे में। और फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो दोस्तों तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।